ये वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है कि हम लोगों के पांव पड़ के उनको अल्लाह का रास्ता बताते। लाहौर में एक लड़की, बदनाम ज़माना है वो, मैंने ऐसे उससे सलाम दुआ कर 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 माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी बन गए, तो वही जगह शूटिंग हो रही थी, तो मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ, मिल सकती हो आके? उसने कहा मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, 10 बजे फारिग हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटी, जब फारिग हो जाओ ना फिर आ जाना, मैं तेरा इंतज़ार करूँ, चाहे लेट भी हो तो आ जाना। यह है कोई 8 बजे के बाद, 9 बजे पूरी शूटिंग टीम, बाकी अदाकार, डायरेक्टर, कैमरामैन सारे वहाँ पहुँच गए। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा है तुम तो कह रही थी मैं 10 बजे फारिग हो गई। वो कहने की मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा है कि जब फारिग हो तो आके मुझे मिल जाना। वो डायरेक्टर भी सामने बैठा था, तो ये कहने लगे कि मौलाना तारिक जमील साहब तेरे जैसी लड़की को फ़ोन करेंगे, ये कैसे है? उन्होंने कहा आप ये कहते हो तो मुझे बेटी कहते हैं। तो उसने कहा शूटिंग ऑफ करो, और पूरा सारा शूटिंग का जितना भी अमला है चलो चल के मौलाना की मुलाकात करो, मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ जो एक तवायफ को बेटी कहता है। वो सारे मुझे मिलने आ गए, सारे सिर्फ मेंबर पे बैठ के तकरीर करने का तुम्हें शौक होता है कि हम भी अल्लामा कहलाएं, हमारे भी कोई जूते उठाए, कोई बैग उठाए, कोई आगे चले, कोई पीछे चले, कोई चाय पेश करे, कोई रोटी पेश करे। शाह इस्माइल शहीद ने बाजार हुसन में गश्त किया था, मोती तवायफ के पास गए थे। अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए। 1831 में उनकी शहादत हुई है, 1831। तो 1831 से पहले का ज़माना, यानी 1810-20 का ज़माना लगा लो जब वो दिल्ली में होते थे, उसके बाद बाजार हुसन में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी जाने की, और मैं उन तवायफों के घरों में गया, उनसे मिला, उनके पास बैठा, उनकी हमदर्दी, दिलदारी कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, उन पर ख़र्च करने की तौफीक दी उन्हें गुनाह से बचाने के लिए। तो अब 8-9 साल होने को हैं तो लंबे के बाजार हुस्न में हर हफ्ते तालीम होती है, और उसमें तवायफें आके तालीम में बैठ, किसी को कलमा नहीं आता था उनके कलमे याद करवाए, वज़ू नहीं पता था वज़ू करवाए, नमाज का नहीं पता था नमाज सिखाई। और कितनी लड़कियों की शादियां हो गईं, कितनियों ने कहा हमारा ख़र्चा लगा दो तो हम ये पेशा छोड़ देंगे, मैंने उनका ख़र्चा लगा दिया, वो घर बैठ के खा रही हैं और बुराई नहीं कर रही। तो मुझे इसमें कोई आर नहीं महसूस हुई कि मैं उसे भी अपनी आखरत का सामान समझता हूँ। और मैंने उनकी नायकों से कहा हुआ है कि जो अपनी बेटी की शादी करेगी मैं सारा खर्चा दूँगा, और जितना मज़लूम ये तबका मैंने जाके देखा है बहुत मज़लूम तबका है, बहुत मज़लूम तबका। मर्द की हवस पूरी होती है और लड़की के माथे पे तवायफ का दाग लग जाता, और वो उसी तरह सेठ साहब भी होता है, चौधरी साहब भी होता है, मियाँ साहब भी होता है, सरदार साहब भी होता है, महर साहब भी होता है, वो उसी तरह होता है, उसका कॉलर सफ़ेद रहता है, लड़की के माथे पे तवायफ का दाग लग जाता, फिर
सात समंदर का पानी भी उसे धो नहीं सकता। और ये दाग लगाने वाले सारे अय्याश लोग, जिनके अय्याशी पर तो पर्दा पड़ गया और उसके माथे पे काला दाग लग गया। एक माँ बड़ी तवायफ है, उसकी बेटियां जवान हैं, तो मैंने कहा तू इनकी कोई इनका कोई रिश्ता तलाश कर, मैं सारा खर्चा तुम्हें दूंगा, शादी कराएं। और कहने लगी मौलाना साहब तवायफ के कोठे पे कौन रिश्ता मांगने आता है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीर के रख दिया। तवायफ के कोठे पे रिश्ता मांगने कौन आता, यहाँ तो इज्जत से खेलने आते हैं, रिश्ता लेने कोई नहीं आता। तो मुझे अल्लाह के फजल से मैं इसे अपनी आखरत का सामान समझता हूँ कि कम से कम एक पूरा मोहल्ला तवायफों का उसमें नमाजें शुरू हो गई हैं। कईयों को मैंने उम्रे करवाए, उनको उम्रे पे भेजा। आज अभी आने से पहले उनका जो एक मर्दों में एक बड़ा चौधरी होता है, एक औरतों में होती है, उनका अपना एक पूरा निज़ाम है। मैंने उससे फ़ोन करके कहा तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें उम्रे पे भेजता हूँ। उसने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी। तो मैं चाहता हूँ तबलीग तुम्हारे अंदर इस तरह उतरे। मेरी तमन्ना है कि अल्लाह आपके अंदर तबलीग जिंदा कर दे। फिर चाहे मेंबर पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, दरसगाह में बैठो, दुकान पे बैठो, घोड़े पे बैठो, गाड़ी पे बैठो, हवा में उड़ो, तबलीग तुम्हारे अंदर हो। अल्लाह का नबी तशरीफ फरमाते कि तवायफ का गुजर हुआ, यानी मैं पीछे से दलील दे रहा हूँ। तो मदीने वो कहने लगे ये कैसा नबी है जो अकेले ही रोटी खाता है, किसी को बुलाता ही नहीं। वो तो आपको तकलीफ देना चाहती थी, तंग करना चाहती थी। तो आप फरमाते तवायफ है, उसको धक्के दे के बाहर निकालो। आपने फरमाया आ जाओ बैठ जा, साथ बिठा लिया। तो खाओ, उसका मकसद खाना नहीं था, उसका मकसद आपको गुस्सा दिलाना था, आपको तंग करना था कि ये कुछ कहेंगे फिर मैं कहूँगी वेख लिया तोड़ा नबी ऐ गल्ला कर दे। कहेंगे ये नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में लुकमा है चबा रहे वो निकाल के मुझे खिलाओ। तो आपने मुंह से उसको उसी वक्त निकाल दिया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बा समझते ना, कुब्बा कुबड़ा, कुब्बे नु कहें लत मारी वो सिद्ध हो गया। उसका भाई तेरी मेहरबानी, तो वो कुब्बे वाली लत बन गई। वो तो आपको तंग कर रही थी और उसे क्या खबर कि नबी के मुंह का लोआब जब उसके मुंह में जाएगा तो क्या होगा। अपने अपने हाथों से नवाला निकाल के उसके मुंह में डाला, साथ ही उसका सीना रोशन हो गया, वो कलमा पड़ गई। और मदीने की शरीफ तरीन खवातीन सहाबिया बन गई। तो अब हमारे एक बुजुर्ग थे डॉक्टर असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, रायमंड में जिंदगी गुजारी, जब मैं रायमंड पढ़ता था उसी में फौत हुआ। फौज में थे तो निज़ामुद्दीन गए, तो मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे मेरे पास आधा घंटा है, अब मुझे तबलीग समझा दें। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया क्या करते हो? कहा जी मैं डॉक्टर। तो एक सामने बुड्ढा सा ना मैं बात ही बैठा था, कहा इसको आधे घंटे में डॉक्टरी समझाऊं। वो कहने लगे मैं आधे घंटे में इसको डॉक्टरी समझाऊंगा, इस अनपढ़ को, मेरी उम्र गुजर गई, मैं इसको डॉक्टरी समझाऊं आधे घंटे में। तो कहने लगे तो मुझे तुमने कोई घिसियारा समझा कि मैं तुम्हें आधे घंटे में तबलीग समझाऊं, बहुत टाइम लेकर आओ मैं तुम्हें समझाऊंगा। फिर वो ऐसा लगे कि फिर सारी जिंदगी उनकी रायमंड में गुजर, सारी जिंदगी बस मरज़ुल मौत में बीमार होके घर गए, वहीं इंतकाल हो गया।
तो जो कुछ मैंने देखा है ये 50 साल होने के मुझे तबलीग में, वो मैं तुम्हें मेंबर के 1 घंटे में कैसे समझाऊं। इसलिए तो मैं मशवरा देता हूं कि जो कहूं वो कर लिया करो तो फायदा हो। अभी साहिब राय मत बनो, नुकसान उठाओगे।